सामाजिक समरसता में किस तरह से समाज को एक धागे में पिरोया जाए, इसे लेकर शनिवार को सामाजिक समरसता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वेयरहाउस रोड स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित इस संगोष्ठी में विश्व हिंदू परिषद के केंद्र मंत्री मिलिंद परांडे, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संयोजक शरद मोदी सहित जिला विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और सदस्य इस संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी में समाज के विभिन्न वर्गों से लोग शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने अपने विचार रखने के साथ संगोष्ठी में आए हुए मुख्य वक्ताओं को सुना दिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बताया कि देश में सभी धर्मों से बढ़कर भारत देश है, लिहाजा लोग किसी भी धर्म के हों, लेकिन उनको सबसे ऊपर भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। ऐसे में तेजी से धर्म को लेकर जारी नफरत को दूर करने की आवश्यकता है। अगर आने वाले समय में इस भेदभाव को खत्म कर लिया जाता है तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। धर्म के आधार से ज्यादा लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें तो इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। सामाजिक समरसता का यही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द व्यवस्था से दूर निकलकर एक नए युग में प्रवेश करें। तो वही इस संगोष्ठी का उद्देश्य भी रहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखना होगा, तभी उत्थान हो सकता है। हमने जो है इस देश में चाहे ईसाई बढ़े चाहे मुसलमान बढ़े, वो किस लिए बढ़े? क्योंकि हमने उसका तिरस्कार किया। आज आप किसी आदमी का तिरस्कार करोगे तो निश्चित रूप से वो आपके दुश्मन के साथ जाके मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे आपके परिवार का हो चाहे मेरे परिवार का। तो हमें जो समरसता जो हमारा विभाग है उसमें हमको उनको सबको प्रेम से आपस में जोड़ना है। हम सबको एक ही मानेंगे, ना वो बड़ा है ना हम बड़े हैं, ना वो छोटा है ना हम छोटे हैं। हम सबको एक मानेंगे और एक नया सामाजिक ढांचा जिसमें इस देश में इस समाज में सब एक बराबर हो, सबके एक जैसे अधिकार हो। और उसके कारण जो है अभी जैसे एक दूसरे की घरों में जो बेटियां जाना चालू हुई, भले आप उसको प्रेम विवाह के कारण चालू हुई चाहे जिसके भी कारण चालू हुई, मैं ये मानता हूं कि सामाजिक समरसता में ये सबसे बड़ा कदम हम चाहते हैं कि रह नहीं गया है, मेल नहीं रह गया, तो इसका मतलब ये जा रही है। नहीं तो पहले जाति से ही या कार्य से ही हम लोगों को पहचान जाते थे, पर वो चीजें हमारे देश के कानून, संविधान और बौद्धिक जीवन और संतों ने जो काम किया उससे बहुत दूर हो गए हैं और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस पे और अनिवार्य रूप से आप लोगों का बहुत सहयोग लगेगा। जब जब ऐसी बात आती है समाज में तो जहाँ पर समरसता बिगड़ती हो उसको कम करना है, जहाँ से समरसता बनती हो उसको बढ़ाना है। ये हमारा, हम क्या कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं सब लोग मिलके। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।